Hello students, this is lecture number 3 and you are watching my channel Sumit Sir's Harshit Academy. मेरे चैनल पे आपको पूरे इंजीनियरिंग के वीडियोस, 10th के वीडियोस आप देखिए. मेरा कोचिंग चलता है यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरा साइंस, 12th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग. तो मैंने चैनल बनाने का मेरा मेन टारगेट ये है कि बच्चों को इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो, चाहे बच्चा सिटी में रहता हो चाहे बच्चा गांव में रहता हो. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं ड्यू टू उनकी लोकेलिटी ऐसी होती है कि उनको अच्छे ट्यूशंस, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है. कई डिस्टेंस में पढ़ते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ते हैं, घर बैठे पढ़ते हैं. उनको मेरा टारगेट है उनको भी वैसा ही नॉलेज मिले जैसा एक सिटी में अच्छे ट्यूशन में जाने वाले बच्चे को मिलता है. इसीलिए यही टारगेट माइंड में रख के मैंने मेरा चैनल बनाया है. तो आप देखेंगे बहुत सारे टाइप के टॉपिक्स मैंने लिए हैं, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ. कोई भी टॉपिक लेता हूँ उसको काफ़ी सारे एग्जांपल्स देके मैं, काफ़ी सारे वीडियोस बना के मैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ. डिफ्रेंशिएशन टॉपिक है, उसके मैंने 44 वीडियोस टोटल बनाए हैं. ठीक है, तो आपको बेसिक पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखना. आपके फायदा ही है, आपका फायदा 100% होगा. अभी देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है. अब उसमें देखिए आप LHS equals to RHS सॉल्व करना है. तो LHS क्या है, f(x) और f(-x) दिया है आपको. अब इसमें देखो f(x) तो आप इसकी ये जो है f(x) उसकी वैल्यू तो आपको दी है, क्वेश्चन ने ही दिया है. देखो f(x) equals to this, यानी ये जो है वो मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बनेगा, 1-x / 1+x. अब ये डॉट था यहां पे, मींस मल्टीप्लिकेशन है. यहां पे माइनस एक्स दिया तो मैंने आपको समझाया था कि जो भी यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको ये दोनों एक्स के बदले लिखनी है. ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता ब्रैकेट में तो यहाँ भी 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखते हैं. तो देखो अब लिखता हूं मैं 1-x के बदले तो -x लिखना है, 1+x के बदले -x लिखना है, 1-x / 1+x into -± + तो 1+x हुआ. यहाँ पे ±, तो 1-x हुआ. अब क्या होगा, अब सिर्फ देखो कैंसलेशन ही होगा. अब इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, एलसीएम लेने का स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है. मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो नो एलसीएम. मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. प्लस माइनस हो यहाँ पे तब एलसीएम आप ले सकते हैं. यहाँ पे हमारा फायदा ये है इस सब में कि यहाँ पे ऐसा स्टेप आ गया कि डायरेक्ट उसमें आंसर आएगा. देखो ये दोनों सेम है सो कैंसल, ये दोनों कैंसल, ऊपर नीचे कैंसल हो रहा है तो 1 आपका आंसर आएगा. मैंने ऐसा भी देखे पेपर्स चेक करने के टाइम पे ये एक्स और ये एक्स को कैंसिल करते हैं, फिर ये 1-1 को कैंसिल करते हैं. ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा ही कैंसलेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ. नेक्स्ट वीडियोस में हम और इसके क्वेश्चंस देखेंगे. कीप वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट.